सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और दूसरा गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिब सिंह को आप सभी उसको इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। जब हम पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले हमें धमका करके बाहर भगा देते हैं, और मतलब 5 लड़के जो इस केस में बिल्कुल गवाह हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। जब मेरा बेटा वहाँ पर गया था तो खाली एक झगड़े को सुलझाने के लिए कि अंकल जी जाने दीजिए, छोटा बच्चा है, कोई छोटा उसके दोस्त का कोई छोटा भाई था, लेकिन उससे पूछा गया क्या नाम है तुम्हारा, सिर्फ उसके इतना कहने पर कि मेरा नाम साहिल है, उसको डंडों से और बलियों से इतनी बुरी तरह मारा जब तक कि उसकी मतलब सिर्फ इतनी एक सांस छोड़ी कि अपनी माँ की गोद तक आ जाता। वो आने के बाद उसने मुझे ये बताया कि मम्मा मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, तो मेरे गोद में तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया। कितना भयानक था वो समय जब मेरी गोद में मेरा बच्चा दम तोड़ रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई इसके लिए। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो 1 महीना 5 दिन हो गए, अभी तक PM रिपोर्ट भी हमें नहीं दी। जब हमने मांगा तो बोला कि रिपोर्ट तो आने वाली 1 महीने तक हम ऐसे घुमाते रहे हो, उसके बाद बोले रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस रिपोर्ट को हम आपको नहीं दे सकते, ये हम दोबारा जब आएगी तब देंगे, या तो पुलिस इस रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश कर रही है, हम लोगों को बचा रही है। और जिन लोगों को उठाया था, सिर्फ 2 लोगों को उठाया, उसमें से भी एक को बेल करा दी। जब पूछा हमने तो कह रहे हैं कि वो लड़का नाबालिग था इसलिए छोड़ दिया, और बाकियों का नाम हमने शोर मचा के लिया, ये लोग और हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं गया। बोलते कि जो तुम कहोगे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, अब गली की महिलाएं ले आओ यहाँ पर गवाही देने के लिए कि हाँ ऐसे से उसको मारा था। अब आप ही बताइए, क्या कोई गली की महिला या कोई आएगी जिसको जिस जो उस लड़के को कोई जानता भी ना हो, कौन आएगी महिला? जो पुलिस का काम है वो पुलिस को ही करना पड़ता है ना, लेकिन पुलिस बिल्कुल लापरवाही कर रही है इस केस में। और जो इसमें विवेक जी हैं, उन्होंने तो मेरे हस्बैंड से भी कई बार बहुत बदतमीजी से सुलूक किया। अभी पिछले दिन की बात है, मैं उनके साथ गई थी तो इनसे बदतमीजी से बोलने लगे वो, पहले थाने में नहीं, थाने के बाहर ही बुलाया स्कूल के पास, और उनसे बदतमीजी से बोलने लगा वो। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तो मेरा बेटा चला गया था, हमारे पास फालतू काम के लिए वक्त नहीं है, मैंने कहा मेरा बेटा मार दिया गया और ये फालतू टाइम है, आपने वर्दी जो पहन रखी किस लिए पहन रखी? मैंने ठीक है मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर आप मेरे हस्बैंड से इस तरह से बात करिए। तब जा करके उसने अपना बिहेव एकदम जैसे मैंने रिकॉर्डिंग पर डाला उसने नॉर्मल हो गया, और उसके बाद भी मतलब कोई पुलिस वाला या कोई भी हमारे पास नहीं आया जानने के लिए कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। मेरा बेटा साहिल मेरे घर को चलाता था, वो अपने पापा के काम में मदद करता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं और उनके पैर में भी रॉड पड़ी हुई है, सिर्फ एकमात्र वही था हमारे घर में जो बड़े, एक मेरी बेटी है और एक मेरा छोटा बेटा है जिसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चीज़ उसी के ऊपर थी। मेरे हस्बैंड आए यहीं पर लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस मुझे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरी मदद कीजिए, आप लोग मेरी मदद कीजिए और मुझे साहिल के वर्डन में इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। थाना सर जाफराबाद थाना लगता है ये? हाँ जी। सभी अहम खबरों के लिए INN चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।